तो दोस्तों अगर आप Redmi का मोबाइल यूज कर रहे हैं और आपके मोबाइल में जो नेक बैंड देखने मिलता है ब्लूटूथ नेक बैंड अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसी के बारे में आपको आज पूरा क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप यहां पे देख सकते हैं ये मेरे पास डिवाइस है और इस डिवाइस में मैंने यहां पे ब्लूटूथ को ऑन करके रखा हुआ है और चलिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं इस ब्लूटूथ को यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं। तो फिलहाल देख सकते हैं इस डिवाइस को मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। एक बार मैं आपको यहाँ पे सेटिंग भी चेक करा देता हूँ। तो सेटिंग में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में जाता हूँ यहाँ पे ब्लूटूथ में, तो ब्लूटूथ में जाने के बाद देख सकते हैं ये ब्लूटूथ डिवाइस मेरा यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई भी म्यूजिक को प्ले करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाता है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे थ्री डॉट में जाते हैं, तो जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईयरफोन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस ईयरफोन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद साउंड इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। आप यहाँ पे देखें एडजस्ट साउंड टू ईयरफोन वाला ऑप्शन देखने मिलता है। तो मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट किया तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। पर अगर आप यहाँ पे ईयरफोन देखें तो आपको जितने भी ईयरफोन यहाँ पे देखने मिल रहे हैं सब आपको यहाँ पे वायर वाले ईयरफोन देखने मिल जाएंगे। ब्लूटूथ वाले यहाँ पे एक भी ईयरफोन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जो मी में लॉन्च किया गया था, जो रेडमी द्वारा लॉन्च किया गया था, वो कोई भी ईयरफोन यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर वाला मिल जाएगा, वायर का जो बेसिक ईयरफोन था वो लॉन्च किया गया था, वो यहाँ पे ऐड देखने मिलेगा। जितने भी लॉन्च किए गए थे वायर ईयरफोन वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसी के चलते क्या होता है कि जो भी ब्लूटूथ नेक बैंड अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रेडमी का भी यूज कर रहे हैं, तो वो ब्लूटूथ बैंड यहाँ पे ऐड नहीं किया है। उसके चलते क्या हो रहा है कि आपका ईयरफोन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा देता हूँ कि क्या ये देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवाइस आपको यहाँ पे देखने मिला, इस डिवाइस को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद इसके पासवर्ड को एक बार मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ देखने को मिला है। सबसे पहले इसके ब्लूटूथ को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और कनेक्ट करके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे सेटिंग में जाऊंगा और सेटिंग में जाने के बाद ब्लूटूथ पे जाता हूँ, और ब्लूटूथ पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्लूटूथ को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद थ्री डॉट में जाऊंगा और थ्री डॉट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ईयरफोन वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एडजस्ट साउंड टू ईयरफोन वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। और ये ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इस डिवाइस में मी ब्लूटूथ ईयरफोन, ये जो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मी ब्लूटूथ नेक बैंड है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मी बेसिक वाला ईयरफोन था वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट यहाँ पे ईयरफोन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, चाहे वो वायर ईयरफोन हो या ब्लूटूथ ईयरफोन हो। तो दोस्तों अगर आपके पास ईयरफोन का जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट आएगा जिसमें आपको ब्लूटूथ वाला ऑप्शन शो होना चालू हो जाएगा, देन आपको क्या है कि ये ईयरफोन यहाँ पे सपोर्ट करना चालू हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो मेरे पास डिवाइस है इस डिवाइस में एंड्रॉइड 13 अपडेट आने के बाद ये ऑप्शन मुझे देखने को मिल गया है। पर इस डिवाइस में एंड्रॉइड 12 यहाँ पे रन कर रहा है, तो इस डिवाइस में एंड्रॉइड 12 रन करने के दौरान क्या हो रहा है कि ये ऑप्शन अभी शो नहीं हुआ है। इसमें जैसे एंड्रॉइड 13 का अपडेट आएगा देन ये फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिया कि ईयरफोन क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने मिलेगा देन आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ईयरफोन भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।